हेलो फ्रेंड्स, तो आज की वीडियो में हम आपसे डिस्कस करेंगे इस 3D प्लान के बारे में। हम आपसे डिस्कस करेंगे, ये फ्रेंड्स हमारे पास जो 3D प्लान है इसका ये जो फ्रंट है हमारे पास ये 30 फिट का फ्रंट है। अंदर प्लॉट की जो गहराई है ये हमारे पास 60 फिट की गहराई है, तो ये हमारे पास 30 फिट बाई 60 फिट का प्लॉट है। 4 रूम का हमारे पास इसमें डिजाइन रहेगा, 4 रूम का हमारा डिजाइन है, बहुत ही बेहतरीन डिजाइन है। और 4 रूम के साथ हमने इसमें कार पार्किंग भी रखी हुई है। तो आज हम आपसे इसी डिज़ाइन के बारे में डिस्कस करेंगे। डिज़ाइन के साथ में हम आपको बताएंगे इसका मैप के बारे में, मीन्स कि घर का नक्शा के बारे में। तो ये फ्रेंड्स हमारे पास जो डिज़ाइन है इसमें आप देखेंगे इसके फ्रंट साइड में रोड है, और यहाँ से हमने ये 10 फिट वाइड की मेन एंट्री दी हुई है। एंट्री से आगे बढ़ने पर हमें यहाँ पर पार्किंग मिल रही है, ये हमारे पास पार्किंग होगी। और ये फ्रेंड्स हमारी जो पार्किंग है इसमें आप देख रहे होंगे हमारे पास इसमें कोई भी कार, स्कूटर, बाइक वगैरह यहाँ पर हम अपना बहुत ही आसानी से हम अपना पार्क करा सकते हैं। ये हमने यहाँ पर स्टिकर्स का डिज़ाइन किया हुआ है, यहाँ से हम अपने फर्स्ट फ्लोर के लिए अप करेंगे, यहाँ से जाएंगे हम अपने फर्स्ट फ्लोर पे। ये हमारे पास स्टिकर्स का डिज़ाइन रहेगा। फ्रंट में फ्रेंड्स हमारे पास यहाँ पे गार्डन रहेगा, यहाँ पे अपना कोई भी प्लांट वगैरह लगाना चाहें तो वो भी आप यहाँ पर लगा सकते हैं। ये हमारे पास गार्डन एरिया रहेगा। ये हमारे पास फर्स्ट स्टेप होगा अपने घर के अंदर जाने के लिए, यहाँ से हम अपने घर के अंदर जाएंगे। तो ये फ्रेंड्स हमारे पास जो फर्स्ट स्टेप है इससे हमने एक डोर दिया है अपने ड्राइंग रूम में। ये हमारे पास ड्राइंग रूम का डिज़ाइन है जिसमें आप देखेंगे बहुत ही बढ़िया हमने इसको डिज़ाइन किया हुआ है। इसमें हमारे पास यहाँ पर एक विंडो का डिज़ाइन रहेगा, तो इसी विंडो से, ये जो आप विंडो देख रहे हैं इसी विंडो से हमारे अपने इस रूम का जो हमारा ड्राइंग रूम है इसका प्रॉपर वेंटिलेशन होता रहेगा, और ड्राइंग रूम के अंदर नेचुरल लाइट भी आती रहेगी। ड्राइंग रूम की जो फ्लोरिंग है उसमें आप देखेंगे हमने स्टोन का यूज़ किया हुआ है। यहाँ पर हमारे पास रहेगा ये सोफ़ा की सीटिंग, जो कि हमारे पास ये 3 सीटर सोफ़ा की 3 सीटिंग्स रहेंगी। इस वॉल पर हमारे पास वॉलपेपर का डिज़ाइन रहेगा। बाकी जो डिज़ाइन है ड्राइंग रूम का बहुत ही बेहतरीन हमारे पास ये डिज़ाइन है, बहुत ही प्यारा डिज़ाइन है। हमारे घर का जो एंट्रेंस डोर है फ्रेंड्स वो हमारे यहाँ से है, यहाँ से हम अपने घर के अंदर आएंगे। ये हमारे पास एंट्रेंस डोर होगा, तो ये जो हमारा डोर है इसमें आप देख रहे होंगे हमें यहाँ पर ये एक छोटी सी लॉबी मिलेगी, इसको हम अपना एक फोयर भी बोल सकते हैं। और इसमें हमने वॉशिंग एरिया का भी अरेंजमेंट किया हुआ है, यहाँ पर हमारे पास ये वॉशिंग एरिया रहेगा। ये फ्रेंड्स हमारे पास यहाँ पर टॉयलेट का डिज़ाइन रहेगा, ये हमारे पास कॉमन टॉयलेट है, इसे फैमिली का कोई भी मेम्बर यूज कर सकता है या फिर हमारा कोई भी गेस्ट वगैरह आया है तो वो भी इस टॉयलेट को यूज कर सकता है। टॉयलेट में फ्रेंड्स आप देखेंगे इसमें हमने वादिंग एरिया को, मींस कि इसमें हमारे पास नहाने का भी एरिया रहेगा, और टॉयलेट सीट दोनों को इसमें हमने कंबाइंड रखा हुआ है। इसमें यहाँ पे हमारे पास एक वेंटिलेटर रहेगा, तो इसी वेंटिलेटर से हमारे अपने इस टॉयलेट का प्रॉपर वेंटिलेशन होता रहेगा। तो फ्रेंड्स ये हमारे पास, हम आगे बढ़ते हैं, ये हमारे पास रहेगी डाइनिंग लॉबी। ये हमारे पास डाइनिंग लॉबी का डिज़ाइन है जो कि काफ़ी बड़े साइज की डाइनिंग लॉबी है। इसमें हमारे पास रहेगा 8 सीटर डाइनिंग टेबल, ये हमारे पास 8 सीटर डाइनिंग टेबल रहेगा जिस पर बैठकर अपनी फैमिली के साथ यहाँ खाना वगैरह खा सकते हैं। इस वॉल पे हमारे पास टीवी कैबिनेट का डिज़ाइन रहेगा। यहाँ पर आप देखेंगे ये हमारे पास किचन है जो कि काफ़ी बड़े साइज का हमारे पास किचन रहेगा, मॉड्यूलर हमारा किचन रहेगा, बहुत ही बेहतरीन हमारे पास किचन का डिज़ाइन है। किचन की जो फ्लोरिंग है उसमें हमने टाइल का ही यूज किया हुआ है, बाकी जो वॉल्स हैं वॉल पर हमने 7 फिट की हाइट तक इसमें टाइल का यूज किया हुआ है। ये फ्रेंड्स हमारे पास यहाँ पर मंदिर का डिज़ाइन रहेगा, ये हमारे पास मंदिर है, बहुत ही बढ़िया हमारे पास मंदिर का डिज़ाइन है। ये हमने इसमें एक छोटा सा मंदिर इसमें हमने ये डिज़ाइन किया हुआ है। ये फ्रेंड्स हमारे पास बेडरूम होगा जो कि हमारे पास ये फर्स्ट बेडरूम होगा। बेडरूम में आप देखेंगे इसमें हमारे पास यहाँ पर एक कवर्ड का डिज़ाइन रहेगा, ये हमारे पास बेड का डिज़ाइन रहेगा, ये जो हमारी वॉल है इस वॉल पे वॉलपेपर रहेगा, यहाँ पर हमारे पास रहेगा विंडो का डिज़ाइन, और ये जो हमारी वॉल होगी इस पर रहेगा हमारे पास एक टीवी कैबिनेट का डिज़ाइन। तो ये हमारे पास बेडरूम होगा जो कि हमारे पास ये फर्स्ट बेडरूम है। बेडरूम की भी फ्लोरिंग में आप देख रहे होंगे इसमें हमने स्टोन का ही इसमें हमने यूज किया हुआ है। ये फ्रेंड्स हमारे पास बैक साइड में 2 बेडरूम होंगे। ये जो हमारा बेडरूम है ये भी हमारे पास काफ़ी बड़े साइज का बेडरूम है। बेडरूम में आप देख रहे होंगे ये जो हमारा विंडो है इसी विंडो से हमारे अपने इस बेडरूम का प्रॉपर अच्छे से वेंटिलेशन होता रहेगा। बेडरूम की जो फ्लोरिंग है उसमें हमने 7 फ्लोरिंग ही की हुई है। ये हमारे पास यहाँ पर ये बेड गार्डियन रहेगा, ये जो हमारी वॉल है इस वॉल पे वॉलपेपर रहेगा, ये जो हमारी वॉल होगी इस वॉल पर रहेगा हमारे पास ये टीवी कवर्ड गार्डियन। यहाँ पर फ्रेंड्स हमारे पास ये टीवी कैबिनेट का डिज़ाइन रहेगा, ये जो हमारी वॉल होगी, और ये रहेगा हमारे पास इस डोर का डिज़ाइन। तो इस डोर से जो आपको डोर दिखाई दे रहा है इस डोर से हम बैक साइड में जा सकते हैं जो कि हमारे पास ये बैक साइड का यूटिलिटी एरिया है, और इस यूटिलिटी एरिया को फ्रेंड्स हम मल्टीपर्पज़ से यूज कर सकते हैं। मीन्स कि यदि आप यहाँ पे अपना एक वॉशिंग एरिया बनाना चाहें तो वो आप बना सकते हैं, अलग से गार्डन बनाना चाहें तो वो आप बना सकते हैं, यदि आप यहाँ पे सिट आउट बनाना चाहें तो वो भी आप यहाँ पर बना सकते हैं। ये फ्रेंड्स हमारे पास 3rd बेडरूम है, मीन्स कि 4th रूम का डिज़ाइन है जो कि ये भी काफ़ी अच्छा डिज़ाइन है। इसमें हमने यहाँ पर डोर का विंडो दिया हुआ है, तो ये जो हमारा विंडो है इसी विंडो से हमारे अपने इस बेडरूम का प्रॉपर वेंटिलेशन होता रहेगा, और बेडरूम के अंदर नेचुरल लाइट भी आती रहेगी। बाकी फ्रेंड्स बेडरूम का जो डिज़ाइन है बहुत ही बढ़िया डिज़ाइन है। बेडरूम की जो फ्लोरिंग है उसमें हमने 7 फ्लोरिंग ही यूज की हुई है। इस वॉल पे हमारे पास वॉलपेपर का डिज़ाइन है, इसमें हमने पेंटिंग का भी कुछ यूज किया हुआ है। यहाँ पर हमारे पास रहेगा कबर्ड का डिज़ाइन, और ये जो फ्रेंड्स हमारा
रूम है, जो बेडरूम है, इसमें हमने एक टॉयलेट को ऐड किया हुआ है। ये हमारे पास एक अटैच टॉयलेट होगा जिसमें हमने वादिंग एरिया को और टॉयलेट सीट को कम्बाइंड ही रखा हुआ है, और इसमें भी हमने एक डोर दिया हुआ है जो कि हमारे पास ये बैक साइड में जाएगा। तो ये फ्रेंड्स हमारे पास 3D प्लान है जो कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसमें हमारे पास 3 बेडरूम हैं, एक बेडरूम से अटैच टॉयलेट है, एक हमारे पास ये कॉमन टॉयलेट है, वॉशिंग एरिया हमने अलग किया हुआ है, डाइनिंग हमने अलग किया हुआ है, ये हमारे पास ड्राइंग रूम है, फ्रंट में हमारे पास गार्डन है और काफ़ी बड़े साइज की पार्किंग है। स्टेयरकेस को हमने बाहर से ही रखा हुआ है, मीन्स कि यदि हमें अपना फर्स्ट फ्लोर या सेकंड फ्लोर रेंट पर्पज से देना है तो उसी पर्पज से हमने यहाँ पर ये स्टेयरकेस का डिज़ाइन किया हुआ है। तो ये हमारे पास 3D प्लान है जो कि बहुत ही अच्छा डिज़ाइन है। अब हम चलते हैं इसके मैप की तरफ। ये फ्रेंड्स हमारे पास मैप है जिसमें आप देखेंगे हमारे पास जो रोड है वो फ्रंट साइड में है और बाकी जो इसकी 3 अदर डायरेक्शन है, तीनों ही डायरेक्शन में अदर लोगों की अदर प्रॉपर्टी है। तो इसमें फ्रेंड्स हमारे घर की जो मेन एंट्री है वो हमारे पास 10 फीट वाइड की मेन एंट्री है। एंट्री से आगे बढ़ने पर हमें पार्किंग मिल रही है। ये फ्रेंड्स हमारी जो पार्किंग है ये हमारे पास 13 फीट 10 इंच बाई 15 फीट की हमारी पार्किंग है। ये हमारे पास गार्डन का डिज़ाइन है जो कि 12 फीट बाई 5 फीट का हमारे पास एक गार्डन है। ये फ्रेंड्स हमारे पास ड्राइंग रूम का डिज़ाइन है जो कि 14 फीट 3 इंच बाई 14 फीट का हमारे पास एक ड्राइंग रूम रहेगा। और ये फ्रेंड्स हमारे पास एक वॉशिंग एरिया पर्पज से यूज करेंगे, इसे हम वॉशिंग एरिया लॉबी बोल सकते हैं या फोयर भी बोल सकते हैं। ये हमारे पास 8 फीट 6 बाई 9 फीट 3 इंच का हमारे पास ये वॉशिंग एरिया रहेगा। ये फ्रेंड्स हमारे पास कॉमन टॉयलेट का डिजाइन है जो कि 5 फीट बाई 9 फीट 4 इंच का हमारे पास एक कॉमन टॉयलेट है। ये हमारे पास किचन का डिजाइन है जो कि 14 फीट 3 इंच बाई 8 फीट 3 इंच का हमारा किचन है। ये मंदिर का डिजाइन रहेगा जो कि 3 फीट 9 इंच बाई 4 फीट का हमारे पास ये मंदिर है। यहाँ पर हमारे पास रहेगा डाइनिंग लॉबी जो कि 18 फीट बाई 12 फीट 3 इंच का हमारे पास ये डाइनिंग लॉबी है। ये हमारे पास बेडरूम का डिजाइन है जो कि 10 फीट बाई 12 फीट 3 इंच का हमारा बेडरूम है। और ये हमारे पास बैक साइड का बेडरूम है जो कि 14 फीट 3 इंच बाई 12 फीट का हमारा बेडरूम है। और ये हमारे पास 13 फीट 9 इंच बाई 12 फीट का हमारा बेडरूम है। इस बेडरूम से हमारा टॉयलेट अटैच है जो कि 7 फीट बाई 4 फीट का हमारे पास ये अटैच टॉयलेट है। और ये हमारे पास एक यूटिलिटी एरिया है या फिर इसे हम मल्टीपर्पज से यूज कर सकते हैं जो कि 21 फीट बाई 4 फीट का हमारे पास ये यूटिलिटी एरिया है। तो ये फ्रेंड्स हमारे पास मैप है जो कि ये भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और फ्रेंड्स ये जो हमारा मैप होता है इसी के थ्रू ही हमारा मिस्त्री होता है जो साइट पे वर्क कर सकता है। तो ये हमारे पास डिज़ाइन है। तो फ्रेंड्स आपको ये हमारा डिज़ाइन कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। तो फिलहाल की वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपने वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक भी कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्लानिंग के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।